नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भाषा के मुख्य कौशल कौन कौन से हैं? तो उत्तर में आपको बताना है, भाषा के मुख्य कौशल हैं लिखना, सुनना, पढ़ना और बोलना। ये भाषा के मुख्य कौशल हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, बालक को शिक्षण जो मुख्य रूप से भाषा की शिक्षा दी जाती है उस समय, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए, तो क्या माध्यम होना चाहिए बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने के लिए? तो उसमें मुख्य रूप से आपको बताना है कि जो मातृभाषा है उसके माध्यम से यदि अगर बच्चे को शिक्षा दी जाए तो जल्द से जल्द सीखता है, तो उसमें इसका माध्यम होएगा मातृभाषा। अगला है, मातृभाषा का अर्थ है, मातृभाषा का क्या अर्थ है? तो इसके उत्तर में आपको बताना है कि मातृभाषा का अर्थ है माँ की भाषा, परिवार की भाषा और पिता की भाषा। ये मातृभाषा का अर्थ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? प्रश्न क्या है, ध्यान रखना है आपको, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि, इसमें शिक्षण विधि बतानी है कि मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुकरण विधि। अनुकरण विधि मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका उत्तर में आपको बताना है कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक आई के डेविस है। उत्तर में हो जाएगा आई के डेविस, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो इसके उत्तर में आपको बताना है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण B.S. Bloom ने किया। उत्तर क्या आएगा इसका, B.S. Bloom, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में दिखाई देती है? सूक्ष्म स्थूल की ओर, मतलब ध्यान रखना आपको, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की जो पालना है वो किस विधि में दिखाई देती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निगमन विधि में। निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र अपनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुकरण करता है? जब विद्यार्थी प्रयोगशाला में कार्य करता है तो किस विधि का अनुकरण करता है वो? तो इसका उत्तर आ जाएगा आगमन विधि। आगमन विधि, प्रयोगशाला में कार्य करते समय बच्चा आगमन विधि का अनुकरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? कहने का मतलब ये है कि जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे होते हैं उन्हें कौन सी विधि से सिखाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा आगमन विधि। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को सिखाने के दृष्टि से उत्तम विधि है आगमन विधि। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या है 33। 33 मूल व्यंजन है और 11 हिंदी भाषा में स्वर है, 33 व्यंजन है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, भाषा की प्रथम जो सार्थक इकाई होती है वो क्या होती है? तो उसका उत्तर होगा शब्द। शब्द भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण की विधियाँ, गद्य शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी है? गद्य शिक्षण की मुख्य विधियाँ बताना है आपको इसमें। तो इसका उत्तर आएगा, गद्य शिक्षण की जो मुख्य विधियाँ हैं उसमें हैं उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण विधि। ये गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, गद्य शिक्षण की मुख्य विधियां।
अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि। इसमें आपको बताना है व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर आएगा आगमन निगमन विधि। कहने का मतलब यह है कि व्याकरण सिखाने के लिए आगमन निगमन विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है तो इसमें आएगा स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि गद्य शिक्षण की प्रमुख विधि है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका कविता का अर्थ है। कविता का क्या अर्थ है साथियों, कविता का क्या अर्थ है? एक तो इसमें इसके पहले हम आपको बता चुके हैं काव्य की परिभाषा जो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार थी रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। लेकिन आपको इसमें कविता का अर्थ बताना है तो कविता का अर्थ क्या है? उसमें आपको उत्तर आ जाएगा संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति। संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति ये कविता का अर्थ है, क्योंकि कविता में विभिन्न प्रकार के संगीतों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहना कि ये उसे लयबद्ध तरीके से हम गा सकते हैं। इसके बाद में अगला है कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताना है कि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास। क्या आएगा उत्तर इसमें? स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास और कल्पना शक्ति का विकास, ये कविता शिक्षण का प्रमुख और मुख्य उद्देश्य माने गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है भाषा शिक्षण का। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है? तो उसमें आएगा लिखित और मौखिक। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है मौखिक तथा लिखित। नेक्स्ट प्रश्न है देखो और लिखो। देखो और लिखो शिक्षण विधि किसमें प्रयुक्त करते हैं? देखो और लिखो शिक्षण विधि किसमें प्रयुक्त करते हैं? तो इसका उत्तर आएगा निबंध रचना में। निबंध रचना में देखो और लिखो शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा लाइक बटन दबाना ना भूलें। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक कौन है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक का नाम बताना है इसमें कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा डेजी मोरविन। पर्यवेक्षक पर्यवेक्षित अध्ययन विधि डेजी मोरविन। नेक्स्ट है आगमन विधि का शिक्षण सूत्र। आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? मतलब इसमें आगमन विधि का शिक्षण सूत्र आपको बताना है। तो इसके उत्तर में आएगा उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर ये आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है साथियों, MPTET में पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। इसके बाद में नेक्स्ट है शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, ये विधि कौन सी है? जिस विधि में जो शिक्षक है वो पहले उच्चारण करता है, उसके बाद में जो छात्र हैं वो बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, मतलब दोहराते हैं, तो ये विधि कौन सी है? तो ये विधि है साथियों अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में शिक्षक के द्वारा उच्चारित किए गए वाक्यों को छात्र उच्चारित करता है, तो वो अनुकरण विधि होती है और अनुकरण विधि के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। इसके बाद में अगला आता है भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए लिंगवा फोन का प्रयोग किया जाता है। ये दृश्य श्रव्य उपकरण की श्रेणी में जो आता है प्रश्न, तो इसमें क्या आएगा? लिंगवा फोन। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया गया है? किसका प्रयोग किया जाता है? लिंगवा फोन का प्रयोग किया जाता है शुद्ध उच्चारण के लिए। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में आधारभूत कौशलों का सही क्रम क्या है? भाषा शिक्षण में आधारभूत कौशलों का जो सही क्रम है वो क्या है? तो उसमें आपको बताना है सुनना,
बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा शिक्षण में आधारभूत कौशलों का सही क्रम है। साथियों, ध्यान रखना है आपको, पहले सुनना, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और उसके बाद आएगा लिखना। ये भाषा शिक्षण के आधारभूत कौशल है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? तो इसमें आएगा मॉरिसन। मॉरिसन इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक का नाम है मॉरिसन। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना उपागम। हर्बर्ट की पंचपदी में कितने सोपान या पद हैं? साथियों, आपको याद रखना है, जो हर्बर्ट की पंचपदी है उसमें 5 सोपान या पद हैं। कितने हैं? 5 सोपान या पद है। इसको पाठ योजना उपागम, हर्बर्ट की पंचपदी, इसमें कितने पद है? तो 5 सोपान या पद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक कौन है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आप गौर करें इस पर। विशेष रूप से भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के उपागम का प्रवर्तक हैं। B.S. ब्लूम। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है किसको मिलता है? पाठ योजना निर्माण का, यदि शिक्षक पाठ योजना का निर्माण करेगा तो उसको पढ़ाने में आसानी होगी, सुविधा होगी। कहने का मतलब ये है कि पाठ योजना निर्माण में सर्वाधिक लाभ शिक्षक को मिलता है, जो टीचर होते हैं उनको मिलता है। इसके बाद में अगला आता है, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? तो इसका उत्तर होगा सूक्ष्म शिक्षण की। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है सूक्ष्म शिक्षण की। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, और ये लास्ट प्रश्न है, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है? एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है? तो उसमें आपको बताना है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि एक समान उच्चारण सिखाने वाली विधि है। जो ध्वनि साम्य विधि है वो एक समान उच्चारण सिखाती है। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।